और देखिए मुजफ्फरपुर की घटना के बाद बड़ा सियासी तूफान, हम सभी ने देखा तेजस्वी यादव का जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, उसके बाद बड़ी जो खबर आ रही है वो ये कि मंजू वर्मा के समर्थन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी आ गए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि कोई आरोप मंजू वर्मा पर नहीं है। मंजू वर्मा के बारे में आपको बता दें कि मंजू वर्मा पर आरोप दरअसल ये लगा कि जो इनके पति थे वो इस जो होम शेल्टर था इन लड़कियों के लिए वहां जाते थे। मंजू वर्मा के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। हालांकि बीजेपी के ही नेता हैं सीपी ठाकुर, उन्होंने ये मांग की है कि मंजू वर्मा को हटा देना चाहिए। मुजफ्फरपुर कांड पर ये बड़ा बयान सुशील मोदी का, वो मंजू वर्मा के समर्थन में आ गए हैं, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। मंजू वर्मा के इस्तीफे पर उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए ट्वीट किया है, बीजेपी मंजू वर्मा के साथ है, मंजू वर्मा पर कोई आरोप नहीं है, जिनको सीबीआई और ईडी ने नोटिस दिया है। इनके खिलाफ रेलवे टेंडर घोटाले में चार्जशीट दाखिल है। इनके पास दो दर्जन बेनामी कंपनियां हैं, वो हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये सुशील मोदी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनकी तरफ से बयान आया है। अब यानी कि ये साफ तौर पर समझा जाए कि सरकार मंजू वर्मा के समर्थन में है, और खुद नीतीश कुमार इस मामले में क्या कहेंगे, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के मुखिया हैं। हालांकि उन्होंने सख्त तौर पर यह कहा था कि जो भी आइए आपको बताते हैं कि मंजू वर्मा के पति पर आरोप क्या है। चूंकि मंजू वर्मा को ही हटाने की बात चल रही है, मंजू वर्मा के पति पर आरोप क्या है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 बच्चियों के रेप का आरोप है, और आपको बता दें कि आरोप यह है कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर बालिका गृह जाते थे। ये मंत्री मंजू वर्मा के पति पर आरोप। मंजू वर्मा 2015 से बिहार में समाज कल्याण मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री 2015 से। एक तरफ सुशील मोदी खुलकर सामने आ गए हैं। आपको यह भी बता दें कि मंजू वर्मा के पति जो हैं वो कभी चुनाव नहीं लड़े। अब मंजू वर्मा के समर्थन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी। और उधर बिहार बीजेपी के बड़े नेता सीपी ठाकुर ने नीतीश सरकार में मंत्री मंजू वर्मा को हटाने की मांग की है। तो देखिए दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। एक तरफ सुशील मोदी कहते हैं कि हम समर्थन में हैं मंजू वर्मा के, वहीं सीपी ठाकुर जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के बिहार में, वो कहते हैं कि मंजू वर्मा को हटा देना चाहिए। हम उनके पति उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं इसको हम नहीं जानते, उसके लिए हम नहीं बोले। हम बोले कि जो डिपार्टमेंट में रहते हुए इतना दिन से जब कोई गड़बड़ी चल रही थी उसकी जानकारी होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो कम से कम जब तक कि इंक्वायरी हो रहा है तब तक रिजाइन कर दें। अगर सीबीआई कहे कि नहीं ये लोग का कुछ ही नहीं है, फिर अपना ज्वाइन करेंगे, उसके कोई बात नहीं। एक जगह का नहीं है वो, जो रिपोर्ट सब आया है सो खाली मुजफ्फरपुर नहीं है उसमें, उसमें तो और डिपार्टमेंट है, और जगह का है, आड़ा का आया, तीसरे जगह का आया, चौथे जगह का आया। इसलिए हम मान लीजिए सरकार में हैं, हम मिनिस्टर हैं, हमारे डिपार्टमेंट में सारा काम गलत होगा, हम कहेंगे कि हम साधु हैं, ये तो नहीं ना कहेंगे। हमारा रिस्पॉन्स हम कुछ करें नहीं करें, हमारा कोई व्यक्ति कोई हमारा रिलेशन कोई करे उससे हमको उनके हस्बैंड के लेकर के हमको कुछ नहीं करना। लेकिन जो जिसका डिपार्टमेंटल हेड है उसको तो इतना बड़ा कांड जो अभी इंटरनेशनली हो रहा है, मोरल ग्राउंड पर करना चाहिए। फिर सीबीआई कहेगा कि लोगों का कुछ नहीं है, अपना ज्वाइन करेंगे रहेंगे। मिनिस्टर काहे इस संज्ञान इस मामला को सुप्रीम कोर्ट काहे बिना दरखास्त के ले लिया सो बताइए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।